ट्रेन की जर्नी थी हम लोगों की, हमारा पूरा हरिद्वार से पूरा मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन थी। पर मेरी ये वाली सब्जी बन रही है। चैनल द मॉमीशियस। तो हम लोग आ गए हैं, फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं। और कल रात को ही हम लोग पहुंच गए थे, बट इस बार मैंने कोई भी जर्नी में कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया, ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। और ना दो तीन दिन से पहले से ही हो रही थी, मतलब देहरादून से ही मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी डाउन ही थी। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इंडाइजेशन हो गया है, थोड़ा सा ना फूड पॉइजन टाइप का हो जाता है ना, उस टाइप का हो गया था। तो वॉमिटिंग वगैरह मुझे हो रही थी। और मतलब ट्रेन की जर्नी थी हम लोगों की, हमारा पूरा हरिद्वार से पूरा मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन थी। और थैंकफुली हम लोगों ने फर्स्ट एसी कराया था, तो ये था कि मतलब आराम करते करते ही हम लोग पहुंच गए मुंबई। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती इस बार, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं होती, फिर बच्चों को भी देखो यार, तो ना रेस्ट भी नहीं हो पाता, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये था कि हमारी फर्स्ट एसी थी, तो ये रहता है थोड़ा सा मतलब सेफ्टी रहती है, आप आराम से थोड़ा प्राइवेसी रहती है, आप सो सकते हैं कुछ भी, मतलब आराम से कर सकते हैं। तो ये था कि पूरी जर्नी में ना मैं सोती ही रही, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, और वॉमिटिंग भी मुझे हुई रास्ते में, और बस खाना पीना भी हम लोग का ऐसे ही रहा। तो कुछ भी मैंने ब्लॉग मतलब कुछ भी मैंने वीडियो मैंने नहीं बनाई रास्ते में। तो कल रात को ही हम लोग पहुँच गए थे, और फाइनली आज थोड़ा मॉर्निंग से मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बॉम्बे में, तो यहाँ सुबह से इतनी स्वेटिंग हो रही है, और हम लोग को इतना ज़्यादा काम, जैसे ही आप मतलब पहुंचते हैं ऐसे कहीं रह के अपने घर, तो कितना सारा काम हो जाता है। सबसे पहले तो बैग अनपैक करो, तो अभी तो 3-4 हम लोगों के बैग थे, तो अभी एक बैग ही हम लोगों ने अनपैक करा है। और अभी शाम के वैसे 5 बजने वाले हैं, और मॉर्निंग से हम लोग काम ही कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही सुरेश तो अभी सोने के लिए चले गए, वो तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। बट यह था कि मैं थोड़ा बहुत अभी बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं लेट ही उठी थी यहाँ सोकर, तो थोड़ा ठीक है। और बस यार यही सब है यार। और गर्मी तो मैं क्या बोलूँ यार, मुंबई में तो हमेशा ही गर्मी होती है, बट ये होता है ना एकदम से जब वेदर चेंज होता है देहरादून से, हम यहाँ तो एकदम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट अभी कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के। तो चलिए यार, पता है मैं क्या कर रही थी, अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी 5:30 हो रहा है, और मैंने ना सब्जी कट करी है, तो यार मैं दिखाती हूँ आप लोग को सब्जी। एक सब्जी ना मैं देहरादून से लेकर आई हूँ, आप लोग को हंसी भी आएगी। मेरी जो भाभी हैं, एक बड़ी भाभी, उन्होंने ना मुझको एक सब्जी दी थी घर से ही तोड़कर, तो जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी सब्जी। तो ये वाली जो हरी सब्जी है ना, हमारे घर में लगती है, और पूरा एक दिन ट्रेन में ट्रैवल करके ये सब्जी आई है, और इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी बस तोड़ के लाए हैं इसको गार्डन से। बहुत ही यम्मी बनती है, सिंपल जो प्याज और टमाटर से ही मैंने बना दी थी, और साथ में मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी चीलों की, क्योंकि बच्चों का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि बच्चे ये वाली हरी सब्जी खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो फॉर द सेफ साइड मैंने चीले भी मैं थोड़े से बना लेती हूँ, क्योंकि सुरेश को भी ना इतनी हैबिट नहीं है वाली सब्जी खाने की। तो आज ना मैं बहुत जल्दी डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:30 के अराउंड हो रहा होगा। हाँ, 5:30 हो रहा है, और अभी जो मेरा डिनर है वो बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ना दोनों बच्चों ने आज मतलब अथर ने तो पूरे दिन आज नैप ली ही नहीं है, और अर्थू ने भी एक नैप ली थी, क्योंकि बहुत ही कम देर की थी, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये दोनों सो जाएंगे। सो अभी बस दोनों को मैंने मिल्क दे दिया है, दोनों ने अपना जो इवनिंग का जो मिल्क है आज वो 4:30 पे ही पी लिया था, तो डिनर जो है वो 7:30 हो जाएगा, तो बस वही है। और यार बाहर का वेदर तो देखो ज़रा, और अथर्व को लग रहा है कि कब मुझे नीचे भेजेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को देख रहा है यहाँ से, है ना। हाँ हाँ, और पता है सारे प्लांट्स मेरे सूख चुके हैं, जितने भी यहाँ पर प्लांट्स थे सब कुछ सूख गया है, और ये वाले जो प्लांट्स हैं ये एक हफ्ते में ही सूख गए हैं, क्योंकि सुरेश तो एक हफ्ते पहले ही आए थे, सारे के सारे सूख गए हैं यार। अभी तुलसी भी मेरी सूख गई है, सब कुछ खराब हो चुका है, दोबारा से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझको। हाँ तो जल्दी आओ, चलो अर्थू, चलो 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 आओ। हाँ चलो चलो, स्लोली स्लोली स्लोली, चलो जल्दी ऊपर, चलो 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 ऊपर। हाँ
तो बच्चों को इवनिंग बात करा कर मैंने बनाई थी अपने लिए ग्रीन टी और साथ में मट्ठी जो कि हम घर से लेकर आए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रही थी। और बच्चे भी ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं अगर उनको इवनिंग में एक बार बात दे दो तो। अथर्व ने तो जैसे ही बात करा उसके बाद उसने बनाना ले लिया था कि मुझे भूख लग रही है, और अर्थू तो यहाँ पर बिल्कुल मस्ती के मूड में हो गया था। इसके बाद मैंने जल्दी से अर्थू को ना अर्थू के लिए चीला बना दिया था, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा ओवर टायर्ड हो जाता है इवनिंग तक और जल्दी फिर नैप के लिए करता है। कौन सा गाना है आपका फेवरेट गाना? आपका फेवरेट गाना? बात है वो हो गया है, और अभी मैं दोनों को डिनर दूंगी। अभी जो टाइम हो रहा है ना 7:30 हो रहा है, तो आज थोड़ा सा डिनर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अर्थू को ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो वो मतलब डायरेक्ट सो जाएगा डिनर करके। तो अभी ना वॉशिंग मशीन लगा रही थी, कपड़े भी हमारे बहुत सारे हो रहे थे। अभी तो एक बैग ही हमने अनपैक करा है, वो थोड़ा बहुत कपड़े जो है उसके हमने वॉश करने के लिए डाल दिए। अभी दो बैग्स अभी और है, वो कल और परसों के, बट आज क्योंकि संडे है तो मुझे लगा थोड़ा बहुत सुरेश की हेल्प में ले लेती हूँ। तो सुरेश ने मशीन लगाई हुई है और अभी वो अथर्व के साथ खेलने में भी लगे हुए हैं। तो बस आज बस यही सभी काम हुआ। तो ये है बच्चों का खाना, जिसमें मैंने कि हरी सब्जी बनाई है, चीला बनाया है, और मैं कर्ड ऑफर कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कर्ड और बटर मिल्क तो रहता ही है आजकल बच्चों के खाने में भी। तो अर्थर्व को भी मेरे हाथ से ही खाना होता है, और अर्थू तो जनरली मेरे हाथ से नहीं खाता है, बट थोड़ा बहुत मैं उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के देती रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत वो खा ले मेरे हाथ से और थोड़ा बहुत वो अपने हाथ से भी खा ले। आज का जो डिनर है वो बहुत ही ज़्यादा देसी लग रहा था, जो जनरली हमारे घर में बनता नहीं है। और साथ में ना मैंने पतोड़ भी ये रखे थे। तो पतोड़ ये जो पत्ते होते हैं गागले के पत्ते जिनको बोलते हैं, वो हमारे घर पे ही लगे होते हैं ना, तो मम्मी ने ये वहीं से बनाकर दिए थे, तो काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं। मैंने फ्रिज में रखे थे, काफ़ी सही हैं। तो आज अर्थू को सुरेश ने ही खाना खिलाया था, और साथ में हम लोग ने स्वीट्स खाई जो हमारे होम टाउन से ही आई थी। ये भी बहुत अच्छी स्वीट है, काफ़ी टाइम तक ये चल जाती हैं, जो कि बहुत ही यम्मी लगती है हम लोगों को। नहीं लगी? हाँ, टेस्टी लगी आपको मिठाई? आ, 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 आ। तो आज ना हम लोग का भी जो डिनर है वो काफी जल्दी हो गया, अभी 8:30 हो रहा है और अभी सब हम लोगों का काम हो चुका है, डिनर का हो गया। अर्थू को तो आज सुरेश ने खिलाया। हाँ हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो क्या, क्या हो गया है? तो खाओ तो जो आपके हाथ में उसे फिनिश करो। तो आज ना घर से जो भी सामान वगैरह आया था वो सब हमने आज खाया है, चाहे हरी सब्जी है, स्वीट्स वगैरह, आज ही हमने सब ये खोल दिया था, इवनिंग में हमने सभी खोल दिया था। तो अभी थोड़ा बहुत हमने खा लिया है। घर से कोई भी चीज़ आती है ना सही बहुत टेस्टी लगती है, इनफैक्ट वहाँ पर इतने नहीं लगती है जितनी यहाँ आकर लगती है ना उस चीज़ की वैल्यू। तो बस यही है, काफ़ी अच्छा रहा। सुरेश ने भी थोड़ा बहुत हरी सब्जी खा ली थी, वरना मुझे भरोसा ही था कि सुरेश खाएंगे, क्योंकि उनको ना इतनी हैबिट नहीं है। मतलब पालक वगैरह तो वो खा लेते हैं, सरसों वगैरह, पर ये जो सब्जी होती है आई थिंक इसे गोजा कुछ बोलते हैं हमारे घर पे ही, मतलब लगती है ये खेत वगैरह में, तो वहाँ मतलब वो सब्जी सुरेश ने शायद कभी खाई नहीं होगी, बट काफ़ी अच्छी बनी थी। तो थोड़ी बहुत उन्होंने भी खा ली, बट बच्चों ने नहीं खाई। अथर्व ने तो बस एक दो बाइट ही थोड़ी बहुत ली थी रोटी में। हाँ सो यार बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।